फूल बातों के चुने सबनी लहजा देखें, मन बना ले कविता के साथ जोड़ने का, कविता में ही बात करने की कोशिश करना जितना करे, फूल बातों के चुने सबनी लहजा देखें, गीत की झीक पर आवाज का बजरा देखें, काव व्यंजन में सजा छंद का टकरा देखें, नए नए में का कविता का टकरा देखें, फूल बातों के चुने सखी, फूल बातों के चुने सबनी लहजा देखें, गीत की झीक पर आवाज का बजरा देखें, काव व्यंजन में सजा छंद का टकरा देखें, नए नए में का कविता का टकरा देखें, राधा के मन में बसी कान्हा की मथुरा देखें, राधा के मन में बसी कान्हा की मथुरा देखें, सुदर्शन गणपत में चलो अपना भी चेहरा देखें। मतलब ये बहुत गलती से बहुत फोकस किया जा रहा है मधु पांडे को, दरअसल आज कार्यक्रम मधु पांडे का नहीं है, मधु पांडे के छोटे भाई का है, सुदर्शन जी का है, उनके उनका लोकार्पण है, उनके विवाह के 25 वर्ष हो चुके हैं, बीच में कहीं ये ग्रुप आ गया है तो उसको माफ कर दीजिएगा, किस रूप में आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल आज सारा सम्मान किसी का होना चाहिए तो नंदा का होना चाहिए, उस बिटिया का होना चाहिए, वो हमारी बहू का होना चाहिए, एक कवि के साथ वो कवि और उसमें पत्रकार, समझ लो ये ऐसा विचित्र संबंध है, इतना विचित्र संबंध है कवि और पत्रकार का, उसके साथ 25 साल कोई निर्वाह करने इससे और मैं इस पीड़ा को अभी इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे 55 साल हो चुके हैं, 55 साल कवि के साथ कोई पत्नी उसका निर्वाह कर ले, ये सब कुछ मैं तालियों का हकदार हूँ। आपने वही मेरे पास अब दो प्रश्न, एक तो प्रसंग था लोकार्पण का और दूसरा मुझको कुछ कविता पढ़नी है, दोनों तो क्योंकि लगातार कार्यक्रम का क्रम चला, अनिल भाई ने तो कैसे संभाला, कई कई कार्यक्रम एक साथ, कई शो इस साल हो चुके हैं, सिर्फ रचना के लोकार्पण पर 2 मिनट करने के बाद एक कविता बोलूंगा मैं, लोग रचना की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जो हमारा हमारे सौभाग्य से कई ऐसे लोग सामने बैठे हैं जैसे भोले साहब होते हैं, लोग कविता को जानते हैं, भाषा को जानते हैं, शब्दों को जानते हैं, इस किताब के बारे में कहना चाहूँगा सुदर्शन को इतने मन और तेवर से कई पहलुओं को उसमें जोड़कर लिखने का प्रयास किया। समस्या क्या होती है कि लेखक लिखता है पर एक आलोचक का प्राणी हमारे पदक पारा जाता है, तो संपादक के रूप में कई समीक्षाएं चाह चुके हैं, देखते हैं, एक बड़ी कठिनाई इसकी है, आलोचक नाम के प्राणी का सबसे आकर्ष हर लेखक के बीच में जो टांग रहता है वो आलोचक, उसकी मानसिकता कैसी होती है, एक आलोचक की शादी हो गई और शादी हो गई तो बेचारी ने खाना बनाया, पहले उसको पता था कि आलोचक है तो गड़बड़ करेगा जरूर, पहले दिन खाना परोसा, कैसा खाना बना और दाल पतली हो गई, दूसरे दिन उसने पूछा बढ़िया बनाया खाना, फिर पूछा क्या हो गया, बोले आज रोटी जल गई, तीसरे दिन फिर पूछा कि हम क्या कर दिया खाने में, तो सब चीज जल गई है, ये खराब हो गया, रोज कोई ना कोई प्रसंग तो आलोचक के दूसरे निकलता, उसने अपनी सहेली से पूछा क्या करें इसका, बोले एक ऐसा कर एक महीना तो कुकिंग क्लास ज्वाइन कर, तुमने कुकिंग क्लास ज्वाइन किया, बढ़िया खाना बनाया, सीधा परोसा और उसके सामने थाली लगी हुई है, हर पदार्थ को चख के देखा बहुत अच्छा है, उसने वहाँ पूछा कि साहब क्या क्या कैसा खाना है, उसका उत्तर दे दिया, बोले खाना बहुत अच्छा है पर इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए। मुश्किल है कि आप अगर पेशन कर रहे हैं, रचनात्मक आप बने हुए हैं तो रचनात्मकता में ये कठिनाई आपके साथ जरूर आएगी कि कई लोग आपको रोकने का टोकने का आपको कई कई तरह से आप नींद नहीं निकालने का प्रयास करें, पर क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती है, समीक्षा बढ़ती है, निंदक नहीं ले रहती है, आप उससे जानिए कि आपकी गलतियाँ क्या है, परंतु समझने के बाद ये सोचने का प्रयास हम करें, ये लेखन के साथ जोड़ने का प्रयास करें कि हम क्रिएशन कर रहे हैं तो उसमें ऐसी कठिनाइयों के बीच में भी आपको नया रास्ता निकाल लेना है। आपको पर एक बात ध्यान रखनी है, मैं वो लोकार्पण के एक पाठ के बारे में बात कर रहा हूँ, एक ध्यान रखनी है, वेद पढ़े पढ़े ना पढ़े, परंतु कभी बनना है तो वेदना को पढ़ना आपको आना चाहिए, आप वेदना को पढ़ने और वेदना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप संवेदना को जान लें,
आज वेदना संवेदना को ध्यान रखते हैं। एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ। दो मित्र चले जाने के साथ में सामने एक सेठ जी थे, उन्होंने पर्स खोला, उसके अंदर दो सिक्के गिरे। सिक्कों की आवाज़ सुनाई थी दोनों मित्रों को, तो एक मित्र पीछे लपका उन्हें सिक्के उठाने के लिए। उसी क्षण दूसरा मित्र सड़क के किनारे लगे झाड़ियों में घुस गया। वापस लौटे तो उसे पहले से मित्र ने पूछा कि सर क्या इतना बढ़िया सिक्के पड़े थे, उठाने के पीछे तो दौड़ने के बजाय यहाँ झाड़ियों के बीच में क्यों घुस गया? तुमने देखा फूस वो बाहर निकला, झाड़ियों में से कपड़े फट गए थे, लहू लुहान हो गया था शरीर। तो उन्हें कहा कि सुबह सिक्के की आवाज़ सुनने सुनी है, उन्हें कहा मैं सिक्के की आवाज़ बड़ी सुनी। और उसी क्षण झाड़ियों में एक तितली फंसी हुई थी कांटों में, उसके पंखों की फड़फड़ाहट मेरे कानों में पड़ी। मेरी मजबूरी है कि मैं कवि हूँ, तितली की पंखों की फड़फड़ाहट सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, सिक्कों की कंगना और तैयार में आता। ये मेरा जो वेदना को समझ पाया, जो संवेदना को जी पाया, वो कवि है। मैं समझता हूँ इस कविता में, इसके संग्रह में अगर आप जानना चाहें, जीना चाहें, तो कविता के धरातल पर कहीं जोश में, कहीं ओज में, कहीं हास्य में, कहीं व्यंग में प्रयास किया है हमारे चक्रधर ने कविता के दोनों रूपों को प्रस्तुत करने का। मित्रों एक पाठ मेरा हो गया, यहाँ बहुत क्रम चले, ये भी हो गया, शादी भी हो गई, घर भाजा भी हो गया, मंगलाष्टक भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो मेरे तरफ दो पाठ थे, एक लोकार्पण, मैंने वो काम पूरा कर दिया, मेरा सम्मान करके ताली बजाई, और एक छोटा सा पार्ट और है, मैं उसको कविता करूँगा। एक कविता पार्ट में हासवेद के कवि के नाते एक हम पर आरोप लगता है कि आप सब पर गालियां देते बैठते हैं, इसको भी ये भी खराब है, वो भी खराब, वो भी खराब है। एक छोटी सी कविता मैं पहले सुना रहा हूँ अपने आप को। मैं 35 साल प्रोफेसर रहा हूँ, और प्रोफेसर ये माना जाता महाज्ञानी बड़ा विद्वान, पर अपने आप पर निर्णय कर रहा हूँ कि हमारी स्थिति कैसी होती। ज्ञान तो हमको प्राप्त होता है, पर जो व्यवहारिक ज्ञान से हम कितने दूर रह जाते हैं। एक बिंद अपने आप पर उस पर छूट लेकर मैं फिर व्यक्ति एक प्रकार को सुनाऊंगा, कैसा हो सकता दृश्य कि हम अपने आप पर व्यक्ति देखिए। ज्ञान हमको है पर व्यवहारिक ज्ञान से कितने दूर है कि हम इतने विद्वान हैं, हम इतने विद्वान हैं कि हमें घोड़ा शब्द के 1000 अर्थ आते हैं, पर जब भी बाजार जाते हैं घोड़ा खरीदने की जगह गधा खरीदना है। हम इतने विद्वान हैं कि हमें घोड़ा शब्द के 1000 अर्थ आते हैं, परंतु जब भी बाजार जाते हैं घोड़ा खरीदने की जगह गधा खरीद जाते हैं। वैसे इस भूल पर हमारे मन में कोई रोष नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी बुद्धि का दोष नहीं है। अरे हमारा तो गजत से इतना निकटता लाता है कि हमें बाजार में देखते ही गदा खुद हमारे साथ चला आता है, गदा खुद हमारे पास चला आता है। इसे हमने आप पर व्यंग कर दिया, ये मैंने छूट प्राप्त कर ली कि मैं दूसरे में व्यंग कर सकता हूँ। एक व्यंग की धरातल से देखे और एक ऑब्जर्वेशन की कविता सुना, इसमें आपको बहुत छोटी कविता उसका समापन कर लेंगे। 3 मिनट की कविता है, उसमें आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है, ये कविता देखने की है। मन ही मन आप देखिए उधर से आपके सामने आएगा। हम वन महोत्सव मनाते हैं तो आप जानते हैं 33 करोड़ का लगा और बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, परंतु उस पौधे की गति या दुर्गति या उसकी सदगति क्या होती है? सचमुच ही इतने पौधे लग जाते और सचमुच ही कह जाते तो पूरा देश जंगल हो जाता, परंतु उसके साथ होता क्या है, करता कौन है, कैसे हो जाता है दृश्य देखिए। पकड़िए अगर बात को उसके साथ जुड़ेगा, वन महोत्सव में मंत्री जी ने एक पौधा लगाया, दूसरे दिन एक बकरी ने उसे देखा, पर था छाया उसे वन महोत्सव पकड़िएगा। वन महोत्सव में पहले दिन मंत्री ने एक पौधा लगाया, दूसरे दिन में पकड़ी ने उसे देखा, करका खाया, उसे बड़ा मजा आया। तीसरे दिन मंत्री जी फिर से दौरे पर आए, पौधे के पास बकरी को मंडराते देखकर मणिमुन मुस्कुराए, अरे उन्हें उस बकरी के हाव हाव भा गए और वो उसी कारण डिनर में मट्टी को खा गए।
वन महोत्सव पकड़ने के बाद मैं कहा तोड़ता हूँ। वन महोत्सव में पहले दिन मंत्री जी ने पौधा लगाया, दूसरे दिन में मंत्री ने उसे देखा, तड़का खाया, उसे बड़ा मजा आया। तीसरे दिन मंत्री जी फिर से दौरे पर आए, पौधे के पास बकरी को मंडराते देखकर मंत्री ने मुस्कुराए, अरे उन्हें उधर बकरी के हाव भाव भाग गए और वो उसी तरह मंत्री को खा गए। अब मंत्री जी जब दो पौधे पर आए, एक पौधा जुड़ा। मंत्री जी जब भी पौधे पर आते एक पौधा जरूर लगाते, परंतु क्या बात है कि पौधे के साथ साथ बकरी के दल गायब हो जाते। जब ये सिलसिला बहुत दिन चला तो उस इलाके के लोग पहुंचा गए, सड़कों पर आ गए, और जब ये प्रश्न विरोधी दल के नेता ने संसद में उठाया तो मंत्री महोदय भी उसे स्पष्ट कर आया, प्रहार आरोप लगते हैं। उत्तर दिया जाता है कि मैंने ऐसा किया नहीं। इस कविता की विशेषता देखो, कहता हाँ कि आप उसके कर्म देखिए। मंत्री महोदय की उसे स्पष्ट कराया कि बात सच है, मैं जब भी पौधा लगाता हूँ एक बकरी जरूर खाता हूँ। कर्म देखिए, इस तरह एक तो मैं उस बकरी से उस पौधे को बचाता हूँ, एक तो मैं उस बकरी से पौधे को बचाता हूँ और दूसरे उसे खाकर पचाकर जनता की सेवा की गर्व से जनता की सेवा से तुम्हारा दो पंक्तियां दूर तक जाए तो आवाज देखेगा क्या कहने की कोशिश करता है। तब चाहूंगा अजीब है लोग, बात देखिए अजीब है लोग जो जरा सी बकरी के लिए इतनी चिंता को मचा रहे हैं। अरे हम तो धीरे धीरे पूरे देश को अजीब है लोग जो जरा सी बकरी के लिए इतनी चिंता को मचा रहे हैं, हम तो धीरे धीरे पूरे देश को खाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और बाद में जो बात देखेगा, और आप ही बताइए इन विरोधी का क्या जाता है जो लगे हाथ किसी के साथ बापू का आदर्श नहीं चाहता है। अरे बापू को बकरी से प्यार खाना, उसके बिना उनका जीना दुश्मान खाना, परंतु क्या आपको पता है इसमें कितने ही बच्चों से बापू की बकरी ना पता है रोज अपना अपना संदेश लाती है और मेरे माध्यम से बकरी डायरेक्ट बापू के पास पहुंच जाती है। क्या करें, मजबूरी है, परंतु पूज्य बापू की आत्मा की शांति के लिए ये पार करना बहुत जरूरी है। कुछ उपमा दे रहा और उसको पढ़ने लिख रहा, आप पकड़ना बात तो आप बहुत सुधित होता है, समझदारी से उनके पास चलेंगे। मैंने कहा माँ आप पकड़ लेना यहीं से बात तो मैं और लंबे भूमिका नहीं बना रहा। आवाज आवाज पहुंच रहे हैं पूरी पीछे तक पहुंच जा रही पकड़ी गया था माँ सागर से नहीं वो आवाज नहीं आ रही थे माँ सागर से तेरी उपमा देने के लिए कहता हूँ। बाप पकड़ना बात को माँ सागर से तेरी उपमा देने के लिए कहता हूँ मन, परंतु उसी क्षण पे ध्यान आता है पर वही मन ही चल पाता है, क्योंकि सागर की गहराई तो कितने हैं और है कहीं भीड़ता गहन गंभीरता, परंतु यह भी उतना ही सही है कि सागर के खारेपन का जरा सा भ्रष्ट हो गया है। सागर को बात ऐसी पकड़ी था मां पूरी तालियां चाहे जहां अच्छा लगे उनको ताली बजाई मां सागर से तेरी उपमा देने के लिए कहता मेरा मन, परंतु उसी क्षण को ध्यान आता है और वही मन ही चल जाता है, क्योंकि सागर की गहराई तो कितनी है और है वही भीड़ता कहीं गंभीरता, परंतु यह भी उतना ही सही है कि सागर के खारेपन का जरा सा भ्रष्ट नहीं है। माँ तेरी दूध की मिठास सागर का सारा खाना बंद हो जाती है। माँ गगन से तेरे उपाय देना मंद भी करना ऐसी चलिए मेरे प्रभाव के साथ माँ गगन से तेरे उपाय देने के लिए कहता था मन, परंतु उसी क्षण को ध्यान आता है वही मन ही चल जाता है, क्योंकि गगन का विस्तार तो तुझे है और है वही विशालता निश्चल निर्भरता, परंतु यह भी उतना ही सही है कि गगन की अंतहीन दूरी का जरा सा भ्रष्ट नहीं है। गगन की अंतहीन दूरी का जरा सा भ्रष्ट नहीं है। माँ तेरी गोद की समीपता में गगन की अंतहीन दूरी खो जाती है, इसलिए गगन के बातों के सामने रूप परिवर्तित हो जाती है। क्या बात है माँ सागर मन का गगन माँ सूरज से प्रेम मत देने के लिए कहता है मन, परंतु उसी क्षण को ध्यान आता है और वही मन ही चल जाता है कि सूर्य की ऊर्जा तो तुझ में है और है चलने को देने की क्षमता मन को छूने वाली ममता, परंतु यह भी उतना ही सही है कि सूरज की झुलसाने वाली
इस तपन का जरा सामना कोई भी नहीं है, इस तपन का जरा सामना कोई भी नहीं। माँ तेरी आंचल की शीतलता में सूरज की सारी तपन हो जाता है, तेरे सूरज को बड़े समर्पित हो जाती है। क्या ये मैंने उपाय की, मैंने उसको कॉन्ट्रेड किया। एक अंश साहित्य का है, कई यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ा जा रहा है कि ये अंश उसकी कविता के वो रूप को जाता है जहाँ पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने कहा माँ वैसे तो कवियों बात तो पकड़ आया, सारे साहित्यकार कवित्र बैठे, माँ वैसे तो कवियों की लीक नहीं है। उन्होंने मुझे लगता है संसार के किसी उपमान से एक उपमा देना ठीक नहीं है। उपमा देना बात को पकड़ना उपमा देना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे ही उपमा का उल्लेख आता है, उपमा का उल्लेख आता है, माँ संबोधन के सामने से माँ की महत्ता हो जाती है, क्योंकि माँ फिर माँ नहीं रहती, माँ हो जाती है। माँ कैसे सेकंडरी हो जाएगी? अब मेरी परेशानी आपकी बेचैनी देखे, आप माँ के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अभी करना चाहते हैं, परंतु आप हमारा कैसे कहें ये परेशानी सबके साथ है। एक मिनट करता है, मैंने कहा उपमा नहीं दे सकते, उपमान हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो कैसे करें? फिर मैंने तो सुना बात की थी वेदना और संवेदना की बात। अब जुड़ा मेरे साथ एक ब्रेड नर्सर, माँ फिर माँ क्या है? मैंने कहा माँ माँ एक स्पर्श है। आइए जी, बहुत राइट कविता का वंश आपका प्रिय है वो, माँ माँ एक स्पर्श है। मैं सोचता हूँ स्पर्श नहीं होता तो हमें कभी नहीं आता किसी के रिश्ते में गांव को देखकर सिस्तु भरना, क्योंकि देख नहीं पाते बच्चे को चोट लगने पर ममता की आंखों से आंसू पर झरना। शरीर को ज्ञान तो हम उसे इतना बताता है कि जैसे चोट लगती है आंसू से उसी की आंख में आता है। वो माँ है जो अपनी ममता से संवेदना के धरातल पर जीना सिखाती है, शायद इसके कारण दूसरों का दुख दर्द हमारी आँख में आती है। शब्द है, मैं सोचता हूँ अगर शब्द नहीं होता तो सारी सभ्यता भूली रह जाती, क्योंकि हमें कभी बोलने की कला ही नहीं आती। वो माँ है जिसने हमारे पुतला के बोलों के अपनाया अपनाया कि मानव बोलने की कला को सीख पाया, और माँ माँ एक विश्वास है। मैं सोचता हूँ विश्वास नहीं होता तो इतने बड़े नहीं होते, अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। वो माँ है जिसने हमें गिर गिर कर उठना सिखाया, उठकर चलना सिखाया, चल चल कर जो सब आए हैं ये सारे रास्ते हमें उस माँ के ममत को नहीं तो बताए हैं। मैं सोचता हूँ अगर माँ नहीं होती तो कैसे खल पाता सभ्यता किसी की मनुष्यता का मोती, हम अपने ही आज से अनजाने रह जाते और हमें 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 कभी नहीं मिल पाते। आधा मिनट कविता का क्लाइमेक्स, इसका शिल्प देखेगा, इसका भाव देखेगा, मैं सब कुछ जो आपके मन में है उसको अभ्यस्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। आधा मिनट में एक छंद के माध्यम से हमें कभी नहीं मिल पाते ये घर परिवार, ये नेह दुलार, जीवन का बोझ, ममता की बोल, रोजगार के बोल, उनके क्रम में आ गई ये घर परिवार, ये नेह दुलार, जीवन का बोझ, ममता की बोल, रोजगार के बोल, बातें अनमोल, पलट कर मैया लेती भलैया, मोहन खिलौने मन रक्षौने, सूर्य की मैना बहना, चहे की चिड़ैया गाती गवैया। जीवन का बोध, ममता की बोध, तुलसा के बोल, बातें अनमोल, पुलक कर मैया लेती भलैया, मोहक खिलौने मन रक्षौने, सुरीली मैना मीठे रस बहना, चहली चिड़ैया गाती जोहैया, गुड्डा और गुड़िया गाती माँ बुढ़िया, पलकों की छाव मन जहाँ खाओ, दूध की कटोरी रस मिली जोड़ी, चंदा सा मामा रिश्तों का जामा, तब खुजी पाऊँ नानी का गाँव, नानी की बाना अंकी का हम जानी जानी सभी का नानी की जानी चलो किस रंगोल मीठे रंगोल, अरे माँ हो जाओ तो बोलेगा।